हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। जैसे कि मैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर वन के यहाँ पे मैं सिलेबस को जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको मैं कवर अप यहाँ पे करा रही हूँ। वैसे इंडियन लॉजिक का मैंने पूरा पार्ट जो भी यहाँ पे था मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। आज हम उसकी कुछ MCQs यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अनुमना कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है। अनुमना मींस, तो मैंने आपको बताया है कि अनुमना का सेकेंड वर्ड हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल नॉलेज। ठीक है, पहले तो आप लोग मेरा वो फर्स्ट वीडियो इंडियन लॉजिक का अच्छे से पूरा समझ लीजिए जितना मैंने उसको पढ़ाया, उसके बाद आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन आपके राइट हो गए। तो अनुमना मैंने आपका मीनिंग आपको मैंने क्या बताया, इन्फ्रेंशियल नॉलेज। नॉन इन्फ्रेंशियल आइडिया नॉलेज या एक्स्ट्रॉर्डनरी ये नहीं है। जिसका ऑप्शन राइट है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे चलो यहाँ पे देखते हैं। अनुमना हैज़ अ हाउ मेनी टर्म्स, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो उसके कितने यहाँ पे टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखो इसके राइट ऑप्शन है फोर। यहाँ पे उसके फोर टर्म्स है। ठीक है, फोर टर्म्स, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके स्ट्रक्चर कितने हैं, चार इसके स्ट्रक्चर हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे द मेजर टर्म इज कॉल्ड, द मेजर, देखो ये मेजर टर्म माइनर टर्म ये मैं मोड एंड फिगर में आपको समझाने वाली हूँ, बट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेजर टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप सबको पता है मेजर टर्म एंड माइनर टर्म यहाँ पे आते हैं। तो मेजर टर्म से हम क्या सिद्ध करते हैं, साध्य को सिद्ध करते हैं, व्याप्ति या प्रकाश्य को यहाँ पे सिद्ध नहीं करते। तो मेजर टर्म का मतलब यहाँ पे क्या बताया, उसने पूछा है साध्य। हम किसी साध्य या प्रूफ को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ना हर एक इंडियन लॉजिक का सिर्फ आपको मतलब ही यहाँ पे समझ के रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक का बेस्ट टू बेस्ट आप सिर्फ मीनिंग समझ के रखो। हेतु इज द टर्म इन अनुमना। अनुमना में हेतु क्या है, तो हमने पढ़ा है कि हेतु को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, जिसको हम मिडल टर्म यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, एक ये मिडल टर्म है जो मतलब जिसको हम अनुमना बोलते हैं, जो हेतु है, ग्राउंड है, जिसको देख के हम प्रूफ को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मेजर या माइनर टर्म नहीं, ये मिडल टर्म है जो हमें एक प्रूफ मिलता है। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं उससे ही सारे कंक्लूजन को हम यहाँ पे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम कंपैरिजन। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था आपको हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे समझ के रखना पड़ेगा, कि काफ़ी आप सब ये कि इसका आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। वैसे मैं लास्ट में इसका आंसर आपको बता दूंगी, मगर इसका यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कमेंट्स में आपको इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। 15 का आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो इसका आप लोग बताए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इंडियन लॉजिक का, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे आपसे चाहिए कि कंपैरिजन का मतलब इंडियन लॉजिक का वर्ड उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, अनुपलब्धि बोलेंगे, अर्थपति बोलेंगे, व्याप्ति बोलेंगे या उपमना बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिफर्स टू अनप्रिसीव्ड कॉजेस फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट। तो इसका आंसर आप लोग भी आराम से दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो शेषवत इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, रिफर्स टू अनप्रिसीव्ड, मतलब कि ऐसा कुछ पार्ट है जो बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बचे हुए पार्ट को मैंने क्या सिखाया आपको, शेषवत बोलते हैं हम लोग। साधारणा या फिर पूर्ववत्यास नहीं बोलेंगे, पूर्ववत्या मतलब पहले का, मगर शेषवत मतलब बचा हुआ पार्ट। यहाँ पे अनप्रिसीव्ड वर्ड ये सब का मतलब क्या होता है, कुछ बचा हुआ पार्ट जो इफेक्ट करा है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषवत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द इज अ रिफर टू, शब्द क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्थी पर्सन, सेंटेंस ऑफ ट्रस्टवर्थी पर्सन या क्रिटिकल स्पीच या एक्सपेक्टेशन स्पीच। तो आपको इसका आंसर साधे यहाँ पे एकदम सिंपल सा दिख रहा है, कुछ ही एक शब्द होते हैं जो स्टेटमेंट में दिए होते हैं जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, तो ये सारे वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं जो मैं आप कुछ स्टेटमेंट तरीके से मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट बता रही हूँ, और ये आप प्रूफ यहाँ पे क्या करो, ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर यहाँ पे ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी व्याप्ति हैज, मैंने आपको पहले बताया हर चीज़ का मीनिंग समझ के रखो। व्याप्ति हैज, व्याप्ति क्या है, तो व्याप्ति वर्ड्स बना है व्याप्ता से और व्यापक क्या से। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर सी है। देखो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन लॉजिक के मीनिंग्स को ही समझना है, बाकी और किसी को नहीं समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फैलेसी इन इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड, क्या है फैलेसी? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अर्थपति व्याप्ति अनुमना को तो फैलेसी नहीं बोला जाता है। मैंने बताया है फैलेसी किसमें होता है, हेतुभास, मतलब हेतुभास का यहाँ पे दूसरा नाम क्या दिया है, फैलेसी इन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जिस तरीके से पूरा चैप्टर आपको बहुत ही बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है, प्लीज़ आप सब लोग से मैं रिक्वेस्ट हूँ, मेरा वीडियोस आप फर्स्ट पार्ट का जरूर देखिए, उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो फैलेसी एंड इन्फ्लुएंस को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, हेतुभास बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेतुभास देयर इज अ नॉन इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल। अब इसका आंसर आप लोग खुद अच्छे तरीके से यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो वर्ध्यू है, अशिदा है और यहाँ पे बधिता है, ये एक नया वर्ड है, वैसे तो ये ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता था, पर कुछ नए क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं कि हेतुभास नॉन इन्फ्लुएंशियली अगर उसका उल्टा, मतलब एक तरह से देखा जाए हेतुभास का अपोजिट वर्ड को हम भातिया बोलते हैं यहाँ पे इंडियन लॉजिक के लैंग्वेज में। ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर हम लोग हेतुभास को क्या बोलेंगे, फैलेसी या इन्फ्लुएंस बोलते हैं, पर अपोजिट में अगर बोलेंगे तो यहाँ पे भातिया बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गया, ये भी क्वेश्चंस क्या चाहिए आपको, मुझे कमेंट्स में आंसर करना है, अनुमना मीन्स क्या होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, मुझे कमेंट्स में यहाँ पे आंसर करना है कि अनुमना का मतलब क्या होता है। इन्फ्लुएंस सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज, परसेप्शन थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज, इसका आंसर क्या है आपको कमेंट्स में मुझे यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन इन्फ्लुएंस कंपैरिजन वर्बल टेस्टिमनी को क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है कि परसेप्शन को क्या बोलते हैं इंडियन लॉजिक में, इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं और वर्बल टेस्टिमनी को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, जबकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट है। परसेप्शन को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ही बोलते हैं। फिर इन्फ्लुएंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्याप्ति ही बोलते हैं। कंपैरिजन को हम सेकेंड नाम एनालॉजी बोलते हैं। वर्बल टेस्टिमनी को हम शब्द ही बोलते हैं, मतलब इसका सही सही सामने सामने ही आंसर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में इंडियन लॉजिक आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था वर्बल टेस्टिमनी को शब्द बोलते हैं, कंपैरिजन को हम एनालॉजी बोलते हैं, और कंपैरिजन को एक नाम और बोला जाता है उपमना। ठीक है, तो ये भी नाम आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने माइंड में बैठा लीजिए कि कंपैरिजन को एनालॉजी ही बोलते हैं, उपमना भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस को व्याप्ति भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंस को अनुमना भी बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आना चाहिए कि किसके वर्ड से कितने सारे नाम हैं, बस इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, व्याप्ति मीन्स, व्याप्ति क्या है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको व्याप्ति का मतलब बताया है कि बेस्ड नॉलेज, उसे हम व्याप्ति कहते हैं यहाँ पे। अब व्याप्ति क्या है, इन्फ्लुएंस इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस या एग्जिस्टेंशियली फैलेसी, रिफ्रेंट फैलेसी, क्या इसका है यहाँ पे आंसर। अच्छे तरीके से आप पहले एक बार खुद से सोच लीजिए यहाँ पे क्या इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर फर्स्ट ए है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड है। हम लोग व्याप्ति मीन्स को क्या बोलते हैं, इनवेरिएबल वेरिएबल यहाँ पे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस इनवेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया है, पता है इन्फ्लुएंस को ऊपर लिखा, इनवेरिएबल को इसने नीचे लिख दिया है। एग्जिस्टेंशियल्स नहीं बोलते, रिफ्रेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं, इनवेरिएबल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो इसने क्या किया पता है, इन्फ्लुएंस को ऊपर लिखा है, इनवेरिएबल को नीचे लिखा है, मतलब इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ए इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से सिर्फ आपको देखो मीनिंग्स का मतलब ही पूछा जाएगा। ये जो व्याप्ति हुआ, अनुमना हुआ, ये इंडिंग लॉजिक के वर्ड्स है, इसको सेकेंड नाम हम अपने इंग्लिश के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यही सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको अपने नेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा डीपली पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन एक नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।